जी नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं कि मारिया ने एक वीडियो वायरल की जिसमें वो रोना रो रही थी। दे टुक अवे माई हस्बैंड एंड दे टोल्ड हिम दैट देयर इज एन एफआईआर ऑन हिम, दे डिड एन एफआईआर ऑन हिम, अरेस्टेड हिम विदाउट अ लॉयर, दे डिडंट लेट अ लॉयर इवन कम। 12:30 at night, nobody was up. We tried calling, so nobody was up. They did this in the middle of the night. To why? And the way they were rude to us, they wouldn't listen. They kept saying to us, to me, that you are culprits. Why? We are the ones who are suffering. We are the ones whose tests are coming anytime positive. My entire family, and we are the ones who are culprits. And we the ones who need to be arrested by you guys. Really, is this the system that we have in Punjab? किशोर को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस गन्स लेकर आई और उनको एक डॉन की तरह ट्रीट करते हुए उनको अरेस्ट करके अपने साथ अपनी तहवील में ले ली। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हिदायत दी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हिदायत दी और ये मामला रफा हुआ, वो छुट गए। उसके बाद इस कंट्रोवर्सी को उन्हें खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन वो फिर से मैदान में आई अपने शौहर के साथ और उन्होंने एक नई वीडियो अपलोड की जिसमें उनका कहना ये था कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसकी मदद से और रेंजर्स की मदद से और पाक फौज की मदद से वो उनके शौहर रिहा हो पाए हैं, जबकि पंजाब पुलिस के किरदार को उन्होंने बहुत रगेदा इसमें पराग गंदा करने की कोशिश की, उस पर सवाल खड़े किए और उस पर नई नई बातें की, जबकि एक इतनी ज्यादा अमीर होकर इतनी पुरतायुश लाइफस्टाइल गुजारते हुए उनको इस चीज का ख्याल ना आया कि वो किस तरह से मजरू कर रही हैं इंसानियत को, बशरियत के जज्बे को किस तरह से पसे पुश्त डाल रही हैं और किस तरह से उन्होंने अपने बावर्ची मोहम्मद फारूक को उसके गांव बिहाड़ी लोकल ट्रांसपोर्ट पे भेजा और अब वो पर्दे डाल रही हैं और मुख्तलिफ बातें कर रही हैं कि हमने उसको अलग एक्सपेंसेस दिए थे और हम घबरा गए थे और ऐसा कुछ था। उनको चाहिए था वो उसी वक्त 116 पे कॉल करती या फिर हॉस्पिटल दाखिल करा देती उसे, बजाय इसके कि वो उसे घर भेजती और अब नए नए वो जवाब तलाश कर रही हैं कि उनके बच्चे हैं और वो घबरा गई थी। मतलब वो अपने कंपैशनेट ग्राउंड्स को नहीं देख रही कि इंसानियत भी कोई चीज होती है, वो ये देख रही है कि उनका फायदा क्या था और उन्होंने मैसेज का फायदा नहीं देखा और उसे हॉस्पिटल नहीं भेजा और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करके गया, जिससे और भी हदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो भी इसकी जद में आ गए होंगे। हाकम दहन अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन इसके बहुत से चांसेस बहरहाल मौजूद हैं। मारिया भी एक ऐसी फैशन डिजाइनर हैं जिनके कपड़े बहुत महंगे दामों बिकते हैं, बहुत चलते हैं, उनको डिजाइन और ट्रेंड समझा जाता है उनके कपड़ों को, जो कि क्वालिटी में भी इतने कोई खास नहीं होते, लेकिन फिर भी एक उनकी किस्मत जो है वो जगमगा गई है और वो कहते हैं ना कमीने रूज पाते हैं, तो ऐसे ही कुछ मामला है इनके साथ और इनमें कोई इंसानियत नहीं है और इन्होंने कोरोना वायरस रिलीफ वबा को किसी तौर सीरियस नहीं लिया और ये ऐसा सलूक अमीर लोग करते हैं अपने उस तबके के साथ जो उनके लिए काम करता है कि जैसे ही उन्हें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई तो इन्होंने उनसे ताल्लुक खत्म कर दिया और उनको चलता किया। इस पर शदीद एक्शन होना चाहिए था और पंजाब पुलिस का किरदार इसमें बहुत कलेदी है, दीदनी है और पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा किया कि इनको गिरफ्तार किया। सीसीपी लाहौर की हिदायत पर ये छापा मारा गया और ये बहुत अहम भी था, जरूरी भी था और नागुजीर इसलिए था क्योंकि इस तरह के अमीर जो तबका है वो किस तरह से रोनता चल जाता है गरीब को और किस तरह से अपनी अमीरी एक बला की ऊंचाई पे पहुंच कर वो किस तरह से गरीब को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। इस बारे में मारिया भी कुछ चाहिए था कि वो कॉन्ट्रोवर्सीज ना खड़ी करती, लेकिन चूंकि उनको आदत है इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज में पढ़ने की तो उन्होंने बहुत गलत किया जो पुलिस के किरदार पे उंगली उठाकर। पंजाब पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है और आप लोगों को सड़कों पर इसलिए मुर्गा बनाती है या पाक फौज आपको 30-30 मिनट तक इसलिए खड़ा करती है ताकि आप महफूज रह सकें, आपके बच्चे महफूज रह सकें और आपकी जो खानदान है और जितने भी अजीजों अकारिब हैं वो महफूज रहें और कोरोना में मुब्तला ना हों और कोरोना जैसे मूजी मर्ज से नबर्द आजमान ना होना पड़े। अपने होस्ट वकार असलम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।